प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं बाल गोपाल योजना का मंगलवार से शुभारंभ होगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हालांकि बाल गोपाल योजना के तहत सामग्री पूर्व में ही सभी स्कूलों में उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन अब दोनों योजनाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मंगलवार को शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म तथा पोषाहार के साथ बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, जिसके तहत सोमवार को शहर के उदयपुर रोड स्थित राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में दरवाजा ब्लॉक में वितरित की जाने वाली यूनिफॉर्म के लिए ड्रेस मटेरियल की खेप पहुंच गई है। जवाजा ACBEO कैलाश चंद्र ने बताया कि सोमवार को भीलवाड़ा से जवाजा ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वितरित किए जाने वाली 35,994 यूनिफॉर्म बनाने के लिए ड्रेस मटेरियल राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंच गई है। ACBEO कैलाश चंद्र ने बताया कि पूरे ब्लॉक में मंगलवार से कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म ड्रेस मटेरियल वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म शहरी क्षेत्र में UCO तथा ग्रामीण क्षेत्र में PEO के माध्यम से वितरित की जाएगी, जिसके तहत सभी PEO तथा UCO को आज जैन गुरुकुल स्कूल से यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं में कक्षा 1 से 3 तक के 6,123 ड्रेस मटेरियल छात्रों तथा 5,318 छात्राओं के लिए वितरित की जाएगी। इस तरह से कक्षा 4 से 5 के 4,876 छात्रों तथा 5,269 छात्राओं, कक्षा 6 से 7 के 4,677 छात्रों तथा 4,879 एवं कक्षा 8 के लिए 2,351 छात्र तथा 2,459 छात्राओं को शहरी क्षेत्र में UCO तथा ग्रामीण क्षेत्र में PEO के माध्यम से मंगलवार को वितरित जाएंगे। ACBEO ने बताया कि यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी को 200 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जो उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में जवाजा ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक यहाँ भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के और 3 UCO शहरी क्षेत्र के। 3 के छात्रों के लिए 6,135 छात्रों के लिए और 5,318 छात्राओं के लिए, 4 से 5 तक के 4,876 और 5,279 छात्राओं के लिए, कक्षा 6 से 7 के लिए 4,677 और 4,879, कक्षा 8 के लिए 2,351 और 2,459। कुल मिला के देखा जाए तो 35,994 ड्रेसें जवाजा ब्लॉक में कल वितरित होगी।